दोस्तों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे तो दोस्तों एक नए भी के साथ आपका दोस्त ज़ुहेब गोरी हाजिर है दोस्तों आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं एक हैरत अंगेज़ आपसे बात शेयर करने वाला हूँ जो पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी तो दोस्तों वो क्या बात है इस बात को जानने के लिए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो मेरी आपको मिलती रहे और दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा जिएगा क्योंकि आपके लाइक और शेयर कमेंट से ही हम मुझे पता लगता है कि वीडियो में क्या खामी थी और किस चीज़ की बेहतरी करनी चाहिए तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक उल्लू के बारे में तो दोस्तों ये जो मेरे आपको पीछे नजर आ रहा होगा तो दोस्तों ये एक बेरी का दरखत है तो इस पर एक उल्लू रहता था दोस्तों उल्लू तो आप सोच रहे होंगे कि उल्लू के बारे में क्या बता रहा है तो दोस्तों यही बताने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज की वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि तो अगर आप आज की वीडियो स्किप करेंगे तो आपको ये मालूम नहीं पता लग सकेगी तो दोस्तों ये उल्लू जो थाू जो था वो कल नौ बजे के बाद दोस्तों ये उल्लू इधर से हो गया है गायब और मुल्क में बहुत जो है शोर शराबा हो रहा है और मुझे पता लगाया कि ये सारा शोर शराबा उल्लू की वजह से हो रहा है तो मैंने भी ये जानने की कोशिश की दोस्तों ये उल्लू का माजरा क्या है तो इर्द गिर्द से खबर लेने के बाद दोस्तों मुझे पता लगा कि ये उल्लू का माजरा क्या है तो दोस्तों इसी के लिए उल्लू का माजरा बताने के लिए ये इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को आगे पीछे ना कीजिए मैं आपको पूरा माजरा सुनाऊंगा और ये क्या हुआ और कैसे ये उल्लू इधर चला गया नौ बजे के बाद तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उल्लू की कल नौ बजे जो है वो डेट फाइनल हो गई थी और रात के दो बजे दोस्तों उल्लू ने कर ली है शादी और शादी कर ली है उसने तोती से तो आप सोच रहे होंगे कैसी बातों में हमें उलझाए बैठा है कि उल्लू की कभी उल्लू की बात करता है कभी तोती की बात करता है तो दोस्तों ये हकीकत पर मबनी बात है कि उल्लू की दो तोती से शादी हो गई कल रात दो बजे उनका निका पढ़ा दिया गया है तो दोस्तों यह निका कैसे पढ़ाया गया और उल्लू ने क्या ऐसा किया और उल्लू कैसे तोती से शादी कर सकता है यही मालूम देखने के लिए आप मेरी वीडियो पर जुड़े रहें मैं आपको ये पूरी मुकम्मल मालूम दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आज वीडियो थोड़ी सी जो हटके इंटरेस्टिंग होने वाली है तो दोस्तों ये उल्लू और जो है की शादी की स्टोरी है तो आपको मैं शेयर कर दूँ दोस्तों उल्लू ने जो था एक तोता और तोती पे केस किया हुआ था जो हमें कल पता लगा जिसका कल जो है फ़ैसला नौ बजे हो गया और फ़ैसला अदालत की तरफ से आया है और उल्लू ने जैन रात के दो बजे दोस्तों बे कर लिया है शादी तोती से और यह हैरान की बात यह कि तोती से उल्लू ने कैसे शादी की और उल्लू ने केस कैसे फैनल किया तो दोस्तों ये जो बात है ये बात बहुत उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि उल्लू कैसे तोती से शादी कर सकता है ये सबसे मज़ेदार बात है लेकिन दोस्तों ये कारनामा उल्लू ने सर अंजाम दे दिया और ये कैसे सर अंजाम दिया तो दोस्तों इसी को बताता हूँ मैं आपको तो प्लीज़ जो है ना मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा यह मैं रिक्वेस्ट आपसे फिर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये बा, बात आपने स्किप वीडियो स्किप की तो आपको बात समझ नहीं पाएगी तो दोस्तों ऐसा हुआ कि तोता जो था और तोती जो है वो घूमते घूमते एक दरखत पर आ गए जो कि आपको मैंने पहले ही बताया जिसपे उल्लू रहता था तो वो दरख्त थोड़ा सा बंजर था तो तोते ने तोती से कहा कि देखें वहाँ हरियाली कैसी होगी जहाँ पर उल्लू रहते हैं तोती ने कहा ठीक है उल्लू उसकी सारी बात सुन रहा था उल्लू को आ गया गुस्सा और उल्लू ने कहा तोती को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा जाने दो तोते तोते ने कहा जाने दो तो उल्लू ने दोस्तों फिर क्या उल्लू ने कहा यह है मेरी बीवी तो तोता बहुत परेशान तो तोता ने ये केस फाइनल कर दिया था दोस्तों अदालत में तो कल आ गया है अदालत से फ़ैसला और फ़ैसला जीत लिया है उल्लू ने और उल्लू का दो बजे जो है मुकम्मल निकाह पढ़ा दिया गया है रात के वक्त क्योंकि उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता तो ये काम तमाम काम जो है रात नौ से दो के दरमियान दोस्तों कर दिया गया है और जजों ने यह कारनामा सर अंजाम दे दिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है कि उल्लू की शादी करा दी गई है तोती के साथ तो, तो इस फिर उल्लू ने एक बयान जारी किया देखो भाइयों गलती मेरी नहीं है दोस्तों उल्लू का एक मैसेज भी है आपके लिए कि गलती मेरी नहीं है तो गलती तो फिर जजों की है तो मेरे को कहने की क्या जरूरत है तो दोस्तों यही मेरा मैसेज था कि जहां पर उल्लू की शादी अगर जज करा सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है तो दोस्तों ये बात को आप अगर सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह आपको जो है ना हकीकत तो आपको नज़र आ जाएगी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है सर दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ नई हैरत अंगेज़ बात के साथ अल्लाह हाफिज